वाह राजगुरु जी, वाह, के कमाल की चाल चली साहब ने। उसकी सफलता में हिस्सा भी बना लिया और उस रामलिंग पाई बार का रास्ता भी दिखा दिया। अरे एक और बात आपने सुनिए को न। अच्छा कौन सी बात? रामलिंग का आगे की खातिर भी राज दरबार में बढ़न का राह बंद करवा दिया से। अरे वाह, पर वो क्यों कर? अरे सुनी, रामलिंग के पाछे पाछे मने बाहर आके दोनों प्रहरिया ताई अपने धोरे बुलाया और उस अकलमंद के सामी उन ताई महाराज की आज्ञा सुना दी और कह दिया आगे ते रामलिंग की शक्ल पहचान लो और कद्दे भी उसने दरबार में एकला नहीं बढ़न दे और जब भी इसने भीतर आना होगा बस मेरी के लावेगा। हाँ। वाह राजगुरु जी, वाह, के नकेल किसी से आपने। रक्षा मंत्री जी, मैं इस कम वक्त ने इसा जकड़ के रखूंगा अक विजयनगर में पड़ा पड़ा छिड़ जाएगा वो। हाँ। उसने भी तबेरा पटगा कि ताता चार राजगुरु तो सहे और उसके भी गुरु से और उनके पाप पकड़न में बुलाई से। रक्षा मंत्री जी, जय रामलिंग मेरे पांव पड़न आया ते मैं उसने कहूंगा जय राज दरबार में पड़ना से ते पूरे एक साल ताही मेरे घर पे चाकरी करे, जब बढ़न दूंगा उसने मैं राज दरबार में। हाँ। चलो एक साल का सेवक तो मिल लगा अपने मुफ्त में, फिर चाहे घुस जा राज दरबार में। जे एक साल मेरे धोरे काम कर गया ते सोचो राज दरबार ते गया वो। न्यू क्यों कर राजगुरु जी? वा न्यू रक्षा मंत्री जी, के इस एक साल में मैं उसकी इतनी तार दूंगा, इतनी तार दूंगा अक मट्टी पलीत हो जाएगी उसकी। हाँ, मैं उसने गधा कह के बुलाऊंगा और सारे विजयनगर में उसने गधे के नाम से मशहूर कर दूंगा। रामलिंग गधा। वाह राजगुरु जी, फिर तो सब उसने गधा कह के बुलाएंगे। हाँ रक्षा मंत्री जी, और गधे घोड़ों को तो राज दरबार में बढ़ने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ना। रामलिंग जी, आप आज्ञा करो, आपने केक के जानकारी चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्र राज दरबार में भी से हैं और कई बड़े बड़े दरबारिया के कार्यालय में भी। मन ने महाराज समेत सारे दरबारिया की दिनचर्या का ब्यौरा चाहिए। कौन सा दरबारी कद और कित जाओ से, आम तौर पे किस किस ते मिले से आदि। इब मैं जो सोचन लाग रहा सू वो बस राजगुरु के खातर नहीं बल्कि अपनी उस जानकारी खातर भी से जो मने आने वाले वक्त में चाहिए होगी। जय मेरी वह योजना जो मैं आने वाले वक्त में कामयाब करना चाहूँ सू असफल होगी ते। मतलब जो आप अगले कुछ दिनों में करने जा रहे सो उसमें जय आप असफल हो गए परिणाम बुरा भी हो सके से। हाँ, राजा के धोरे तावड़ी आन की कोशिश इसीये हुए से, इब इसमें जान भी जा सके से। हाँ, राजाओं के साथ पान का मूल से यो। हाँ, हर बड़े फायदे आले सौदे में बड़ा नुकसान भी शामिल हुए से। अरे हैं, मेरे कपड़े कड़े गए। अरे आड़े ते धरी थे, अरे कदे कोई जानवर ते नहीं ठाली गया, बेराना कित गई। नंगा राजगुरु नंगा। अरे कौन से यो बदतमीज, इब्बे खबर लूं सू तेरी। अरे आजा नंगे खबर ले ले। अरे कौन से तू नंगा? अरे भाई मेरे कपड़े दे दे। नंगा राजगुरु नंगा। अरे देख भाई मेरी उम्र का था कि मैं लिहाज करी। नंगा राजगुरु नंगा। इस पे कोई रोब मारना पड़ेगा,
नाते हो सके से यो मस्करा मेरे कपड़े लेके 9-2-11 हो जा। अरे आ जा नंगे, खबर ले ले। अरे कौन से उड़े, तू जानता नहीं तने किसके कपड़े चोरी करे से? हाँ जानू सू, बहुत अच्छी डाल जानू सू। अरे बेकूफ, तू इसकी बहुत बड़ी सजा पावेगा। हाँ तू जानता नहीं मेरा कया महाराज कितना मानने से। जानू सू विजयनगर में आपके हुक्म के बिना पत्ता भी को नहीं हिलता। अरे बेकूफ, तू या जानते हुए भी मेरे टक्कर ले रहा से। अरे सीधे सीधे मेरे कपड़े धर के और चला जा, नहीं ते ना ते के कर लेगा बिना कपड़े के बाहर लिकड़ा होगा के। बिना कपड़े के नगर में जाओगे जड़े हजारा नगर वासी आपने इसी हालत में देखेंगे। अरे कमबख्त, तू सहगुण, जय इब तड़के तड़का देरा ना होता तब तने ते मैं देख लेता। हाँ देख लेता तो के कर लेता। हाँ आप में शर्म तो सह कोनी। अरे कम वक्त मानता है कोन्या, सह कौन यो? हाँ वो सामी है ते से इब कुछ दिखन लाग रहा से। अरे यो ते वो है रामलिंग से। कम वक्त इसने प्यार ते बुलाऊं सू। अरे रामलिंग सुन बेटा सुन। अरे सुनते मेरे कपड़े किसे बेटे? आय हाय 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 राजगुरु जी, इब तो आप मने पिछाड़न भी लाग गए सो। आपने मेरा नाम भी याद आ गया। अरे बेटे मेरे कपड़े दे दे मेरे कपड़े, बहुत ठंड लागन लाग रही से। कपड़े किसे कपड़े? मैं ते आपके कपड़ा ने जानता है कोन्या। अरे बेटा तू जो भी कहेगा मैं करण खातर तैयार सू। पर मेरे कपड़े दे बेटा। कपड़े तो मैं दे दूंगा, पर जो मैं कहूंगा वो एक करोगे तब। ए भगवान, इब यो मेरे तह के करवावेगा? तावड़े बोलो, कपड़े चाहिए एक नहीं? हाँ चाहिए, कपड़े चाहिए। अरे तू जो भी कहेगा वो ये करूंगा। तुमने मेरे तही अपने कंधे पर बिठा के राजमहल के आंगन ते ले जाना पड़ेगा। बोल मंजूर से? मंजूर से, कपड़े तो दे दे। मगर एक शर्त से। इब किसी शर्त? शर्त या से अक सारे रामे तम अपनी आंख नीची करके चलोगे, ना बाएं देखोगे ना दाएं देखोगे। हाँ मंजूर से। सोच लो कोई चालाकी तो नहीं करोगे? अरे किसी चालाकी रामलिंग, मैं एक ब्राह्मण सू, मैं ब्रह्म की कसम खाऊं सू, अक मैं यो काम पूरा करूंगा। हाँ अरे रामलिंग तू बहुत भारी से, बेरा नाम इतने क्यों करे, राजमहल ताई लेके जाऊंगा। ले जाना ते पड़ेगा राजगुरु जी। अरे रामलिंग बस बतेरा होया, इब शहर आ गया से, देख सब मेरा मजाक कर रहे से। हाँ राजगुरु जी, बस थोड़ी सी दूर और। अरे वो किसा नजारा से महारानी? देखिए थे इतना बड़ा एक सेहतमंद आदमी एक बूढ़े के कंधे पर चढ़ के बैठा से। हाँ लागे से जनु उसने आगे चलते रहने का हुक्म दे रहा हो। एक सेहतमंद आदमी का एक बूढ़े आदमी के कंधे पर चढ़ के बैठना है बदतमीजी से। हाँ देखो बेचारा।
तो चला भी नहीं जा रहा। और वो ऊपर चढ़े आदमी क्यों कर खुश दिखाई देने लग रहा सी। पर वो अधेड़ उम्र का आदमी तो राजगुरु जी सा लागे से ना, देखो तो सही। अरे हाँ, वो राजगुरु है से ना। हाँ महाराज, इब साफ दिखन लाग रहा है। शर्म तो उनका सर झुका होया से और वे तो पसीनम पसीना होए जा रहे से। बार बार अपने माथे तक पसीने ने पोंछ पोंछ के बेहाल हो रहे से बेचारे। उनकी इसी हालत बनाना रहा यू मानस कौन सा महाराज। दरबान दरबान, आदेश दो महाराज। जाओ नीचे आंगन में जाओ। उड़ा एक आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़ रहा है, तम ऊपर चढ़े आदमी ने नीचे गिरा दो और उसकी अच्छी डाल पिटाई करो। लग गए से महाराज ने मारते ही देख लिया से और कोई आदेश भी दिया से। जो आदमी उसने ठहरा से उसने मेरे दोहरे ले आओ। जाओ तावड़े जाओ। जी महाराज। राजगुरु जी, मैं बावड़ा नहीं घनाए बावड़ा सू। मने आप जिसे महापुरुष की गेला किसा बुरा सलूक करया। अच्छा इबरान दे अपना सांग, अरी बाड़े ते मने जान दे। जान दूं? न्यू क्यों कर जान दूं? पहले आपने अपने कंधा पर ठा के आपके घर पहुंचाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी बहुत हार लिया सू। जे तू मने अपने कंधा पर बैठा के ले चलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। ते आ जाओ मेरे कंधा पर बैठ जाओ। राजगुरु जी, आपकी सेहत बहुत अच्छी से, बहुत बहुत भारी सो आप। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक हम इन्हें ले आए से। इसने आड़े क्यों लिया है? मन ने तो थारे ते इसकी पिटाई करने का आदेश दिया था। महाराज, आपका हुक्म था के कंधे पर चढ़े हुए आदमी की पिटाई करी जावे। अरे ठाण वाले आदमी ताई आपके सामने हाजिर कराया जा। हमने आपके हुक्म का पालन कराया से महाराज। ओ, हमने दूसरे आदमी की पिटाई करके नाश कर दिया। अरे मूर्खो, जाओ उसने आदर ते उसके घर पहुंचा दो। जी महाराज। ओ, यो आदमी कितना चलाक से। हमने लग गया हमने तू पहला भी कदे देखा से। जी महाराज, मैं वो हूँ जिसने आपते इनाम के रूप में थाली पर कै सर्फियां पाई थी। ओ, जब तुमने मेरे आदेश का पहला अंदाजा ला लिया होगा कि तुमने मैं दरबान का आदेश देता उड़ देखा था। जी महाराज। तुमने जब दिमाग तक काम लेते हुए राजगुरु अपने कंधे पे बैठा लिया, उन ताई गुस्से लात भी खवाई। इतनी बड्डी गुस्ताखी। मने माफ कर दो महाराज। मैंने माफी मांगती आना शर्म नहीं आती। थारे इस अपराध की या इस सजा से के तुम मौत के घाट तार दिए जाओ। महाराज, मने माफ करो, मैं आपने पूरी बात बताना चाहूँ। इब कैंड ने बाकी रह के गया से, हम थारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। महाराज थोड़ा उरे न दबाओ। हाँ इब बताओ महारानी। देखिए आपने इस मानस की होशियारी, इसने न्यूते बेरा ही था कि आप इसने राजगुरु के कंधे पर चढ़ा देख सजा दोगे। बल्कि यो भी बेरा था कि जब वह आप अपने सैनिका ने न्यू कह के भेजोगे कि जो भी आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़ के बैठा से उसकी पिटाई करी जा और दूसरे आदमी ने आपके सामने पेश करने का हुक्म भी दोगे। हाँ यो तो है। और उस पे इसने न्यू भी बेरा था कि वो आपने अपनी बात सुना भी सकेगा और भरोसा भी दिवा देगा। बात तो थारी ठीक से, सह तो समझदार। हाँ महाराज, यो मानस बहुत अकलमंद और निडर से। मेरी सलाह से महाराज, आप उसकी पूरी बात जरूर सुनो और उसके पाछे कुछ फैसला करिए। हाँ ठीक से। तो क्या कहना चाहो सुथम? महाराज, जो महारानी ने कहा से वो है सच से। के तन्ने के बिना मैंने के कहा? महाराज, महारानी आप ते मेरी बड़ाई करें थी। तन्ने क्यों कर अंदाजा लाया? महाराज, अकलमंद पत्नियां अपने पतियां ने बात के बीच में जब बुलावे से जब वे असहमत हो से। हाँ यो तो ठीक कहा तन्ने।
अकलमंद महारानिया पतियां थे ऐसे मत। तो इसका मतलब होया अकुन के पति बेकूफ हों से। हरा कहन का मतलब कैसे महाराज? मेरा मतलब न्यू था अकलमंद पत्निया के पति अपनी अकलमंद पत्निया ते घने अकलमंद हों से। यो तम न कद कया महाराज, आप तो जानो सो अक एक अच्छी और बढ़िया चीज ने ढूंढन खातिर कितनी अकलमंदी की जरूरत हो वैसे। हाँ यो तो है, अकलमंद आदमी ये अच्छी चीज न परख सके से। फिर आप सोचो महाराज, एक अकलमंद औरत ते ढूंढना कितनी अकलमंदी का काम से। हाँ हाँ यो तो कति ठीक कया तुमने। हाँ तू सच्चे अकलमंद से, काल ते तू दरबार में आ जाइए। महाराज किस ओहदे पे? विदूषक, आज ते तुम राज विदूषक सो। थारा नाम कैसे है? तेनाली। ना महाराज, मेरा नाम रामलिंग से, तेनाली तो है मेरे गांव का नाम से। नहीं, हमने जो कह दिया वो कह दिया, आज से तेरा नाम तेनाली राम होया। जिसी महाराज की ख्वाहिश, पर महाराज एक बात जरूर याद रखियो। के? याए, अक यो नाम आपका दिया उड़ से, आप तेनाली राम के वालिद सो। बहुत खूब तेनाली राम, बहुत खूब। मेरा ख्याल से तुम बहुत दूर तक जाओगे। महाराज की जय हो। सबका जाना पिछाड़ा से एंडी कर तबियत दिखाया से, सबका ध्यान बढ़ाया से। तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा।